आईफोन 16 पर पाबंदी, मगर क्यों? एप्पल इंतजामिया के रद्द अमल से माजरत। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आईफोन 16 पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन कहाँ जनाब, खबर यह है कि इंडोनेशिया ने आईफोन 16 पर पाबंदी लगा दी है, मगर क्यों, वजह क्या बनी, अभी आपको सब बताते हैं। दरअसल इंडोनेशिया की वजारत सनत ने एप्पल कंपनी को मुल्क में आईफोन 16 स्मार्टफोन्स की फरोख्त से रोक दिया है, इसलिए क्योंकि एप्पल ने मुकामी तौर पर तैयार करदा अज्जा के इस्तेमाल से मुतालिक मुल्की कवानीन पर अमल दरामद नहीं किया। तर्जमान वजारत बराए सनत के मुताबिक इंडोनेशिया में फरोख्त होने वाले स्मार्टफोन्स के लिए लाजिम है कि वो मुकामी तौर पर तैयार करदा कम अज कम 40% पुर्जाजात पर मुश्तमिल हों। लेकिन आईफोन 16 ने इस जरूरत को पूरा नहीं किया, इसलिए हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। अब जो लोग फोन इम्पोर्ट करते हैं उनके लिए भी खबर है कि दरामद शुदा आईफोन 16 हार्डवेयर की इंडोनेशिया में मार्केटिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि एप्पल इंडोनेशिया ने मुकामी मवाद की सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए अपनी सरमायाकारी के वादे को पूरा नहीं किया। हाँ, लेकिन जाती इस्तेमाल के लिए आईफोन अब भी बैरून मुल्क से लाए जा सकते हैं, वो तब तक जब तक सार्फिन वाजिबुल अदा टैक्स अदा करते रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि एप्पल इंतजामिया ने इस पर क्या रद्द अमल दिया, तो फिलहाल एप्पल का इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।